एक बार फिर रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर एक मासूम हैवानियत का शिकार हो गई। महज 5 साल की बच्ची की आबरू लूट ली गई। जी हाँ, यूपी के हमीरपुर जिले से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। कलयुगी चाचा ने चाचा भतीजी के रिश्ते को कलंकित करते हुए हैवानियत का गंदा खेल खेला है। मासूम से बलात्कार की घिनौनी वारदात उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के बिवार थाना इलाके में हुई है, जहां रिश्ते में चाचा लगने वाले पड़ोसी ने 5 साल की भतीजी को बहला फुसलाकर टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जब मासूम ने रोते हुए अपनी माँ से चाचा की घिनौनी हरकत के बारे में बताया तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं चाचा की दरिंदगी का शिकार हुई अपनी मासूम बेटी को लेकर माँ थाने में न्याय की गुहार लगा रही है। इनके चाचा हैं, परिवार के हैं, इनको घर में आए थे, कह रहे थे चलो टॉफी दिलाएंगे, इसको ले गए और मैं उनके दुष्कर्म किया है। पता कैसे चला आप लोगों? ये आई, इसने खुद बताया। बहरहाल मामले को संज्ञान में लेकर एएसपी संतोष कुमार सिंह ने जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। एक इन्हीं के परिवार का ही व्यक्ति है, बेसिकली रिश्ते में चाचा लगता है, बिल्कुल घर के सामने ही है, उसके घर के सामने ही है बच्ची के, और बहला फुसला के अपने घर में ले गया और उसके साथ दुराचार की बात आई है। थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और क्षेत्राधिकारी मौदा के नेतृत्व में 3 टीमें बनी है, अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आशा है जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बच्ची का यहाँ मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया है, शेष आवश्यक कार्रवाई पूरी करा के सजा दिलाई जाएगी। आए दिन हो रही मासूम से दुष्कर्म पर इंसाफ इंसानियत भी चुप है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब तक बेटियां दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी और ना जाने कब तक देश की हर एक बेटी हर पल खुद को असुरक्षित महसूस करती रहेगी। एनडीटीवी भारत के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।